अपने बाकी राइडर लग रहा है कि गाइस ये पहाड़ टपके ना पाकिस्तान का बॉर्डर आ जाएगा। जगह तो ऐसा होना चाहिए गाइस, स्प्लेंडर उठा के आ गए ये। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस आज का ब्लॉग ना ज़्यादा ही खतरनाक तबाही वाला सीन होने वाला है। आज गाइस प्लानिंग कुछ ज़्यादा ही लंबी राइड का बन गया है, तो आज हम जा रहे हैं मनाली। तो बाकी राइडर्स लोग भी सारे रेडी है गाइस। चेक करो गाइस, यहाँ फुल तैयारी है भाई मनाली ट्रिप की। चेक करो आप भाई, बॉयज़ तो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना भाई एग्रेसिव मोड में है सारे। चेक करो भाई आप। तो गाइस जो भी चैनल पे नए है ना भाई, जल्दी से जल्दी चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लो गाइस। तो गाइस आज कुछ ज्यादा टावर तो ड्राइविंग होने वाली है गाइस। गाइस आज तो काफी लॉन्ग राइड जाने वाली है, लॉन्ग राइड, तो आपको भी बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला। वीडियो को स्किप मत करना गाइस। आज हमारे ग्रुप में ना एक स्प्लेंडर वाले भैया है। चेक करो गाइस, बंदे का जज्बा देख रहे हो राइडिंग का। बंदा स्प्लेंडर उठा के भाई मनाली जा रहा है। अब सोच सकते हो बंदे की राइडिंग का जज्बा भाई, इसे बोलते हैं भाई राइडिंग के साथ प्यार। बाकी भाई भाई लोग हमारे आगे चल रहे हैं, आपको दिखाता हूँ गाइस। चेक करो आप, बाकी दो भाई आगे चल रहे हैं। भाई तो मैंने फुल पैकिंग वगैरह किया हुआ भाई। तो भाई क्या ही लौटे कहर में जा रहे हैं। गाइस एक तो स्टार्ट हो गया नवरात्रे, तो काफी भक्त लोग की संख्या ना काफी माता के दर्शन करने जा रहे हैं। जैसे देख सकते हो ट्रॉली में काफी ज्यादा भक्त बैठे हुए हैं। भाई लौंडे तो कहर में जा रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ से कराते हैं फ्यूल वगैरह फिलअप, फिर निकलते हैं राइड को करते हैं फिर कंटिन्यू। मेरे में तो फिलहाल भाई फ्यूल तो पड़ा है, तो भाई लोगों से पूछ लेते हैं कि उन्होंने डलवाना है, तो भाई से पूछते हैं। मैं तो करता हूँ भाई अपने बाइक को आगे, तो भाई लोग सब डलवाएंगे। भाई B2 R15 D4 भाई चेक करते हैं भाई, B2 में अभी भी जान है कि तू। तो गाइस यहाँ से मनाली 250 किलोमीटर रह गया गाइस, जस्ट हमने अभी टनल क्रॉसिंग किया है। तो भाई बाकी के राइडर काफी आगे निकल चुके गाइस, तो भाई चलते हैं भाई लोगों के पास।
हिल एरिया में ना ड्राइव करने का मजा ही कुछ अपना ही मजा है गाइस। ये अपना सेकंड टनल आ गया, आई थिंक ये भी उतना ही होगा। नहीं नहीं, ये छोटा टनल है, काफी ज्यादा छोटा है। फाइनली अपना नारगर ग्रुप भाई लोग मिल गए। भाई जो राइडर लोग है ना गाइस, वो हिल एरिया ना राइडर लोगों के लिए ना एडवेंचर एरिया है गाइस। ये तो भाई पूरे घोस्ट राइडर बने फिर रहे हैं ये। राइडिंग गियर्स क्या ही सेक्सी लग रही है गाइस। भाई ने कल ही ऑर्डर किया था, भाई ने पसंद आया था, जब तक राइडिंग गियर नहीं आएगा जब तक मैं जाऊंगा नहीं गाइस। राइड करने का मजा तभी है जब प्रॉपर गियर डाले हो। ये भी देखो बोल कौन रहा भाई जिसने ग्लव्स ही नहीं डाला। भाई ग्लव्स में इसलिए नहीं, हाथ में मेरा पसीना बहुत ज्यादा आ रहा था इसलिए उन्होंने ग्लव्स वहाँ बैग में रखा हुआ अभी। तो गाइस टनल नंबर 3, ये तीसरा टनल है। ये भी बहुत ही ज्यादा लंबा तो नहीं है गाइस, छोटा ही है। तो भाई स्प्लेंडर वाले भैया ओवरटेक करके निकल गए। ओ भाई क्या ही उड़ा रहा भैया ये, भाई सुनकर ना उनके हाथ में स्प्लेंडर है। अगर 200 सीसी होता तो भाई पता नहीं क्या ही रिकॉर्ड बनाता भाई। भाई घोस्ट राइडर क्या ही बुलेट को भाई सुला रहे हैं ये। भाई ये तो बुलेट में भी लीन मार रहे हैं पूरी तरह। आगे खड़े हैं भैया पुलिस वाले भैया चलान काटने के लिए। सो गाइस मंडी हम जस्ट पहुंचने वाले हैं, अराउंड 10-12 किलोमीटर रह गया मंडी। आई थिंक ये सुंदर नगर है गाइस। ये एक तो गाइस ट्रैफिक है ना, एक तो पहली बहुत ज्यादा लेट हो चुके हैं, ऊपर से ये ट्रैफिक। गाइस रिएक्शन क्या ही जबरदस्त वाला मिल रहा है गाइस। ट्रैफिक चेक करो गाइस कितनी लंबी है। ये अपने बाकी राइडर ओ भाई साहब भाई सिंगल रोड की ना यही दिक्कत होती है गाइस, दोनों तरफ से गाड़ियां ना काम खराब कर देती है बिल्कुल। एक तो पहले ऊपर से लेट हो चुके हैं गाइस, एक ये ट्रैफिक ट्रैफिक ऊपर ये गांव माता। ओ भाई साहब
बीच में खड़े गाइस। गाइस सामने दिख रहा है आपको, आई थिंक आपको दिख रहा है कि नहीं, मुझे तो दिख रहा है गाइस। ऊपर तो गाइस हिल लेना क्या ही औसत लग रही है गाइस। सो फाइनली गाइस हम मंडी में एंटर कर चुके हैं। तो भाई बाकी भी राइडर मिल गए यहाँ पे। तो गाइस बाकी राइडर का वेट करते हैं, वो बाकी भाई बहुत ज़्यादा ही पीछे रह चुके हैं, क्योंकि मैं तो काश भाई ना बहुत ज़्यादा ही रस ड्राइव करके आए हैं। तो बाकी राइडर का करते हैं वेट। क्या ही बाइक को भाई, वी टू भी कम नहीं है गाइस। वो R15 का लव जो स्टार्ट हुआ था ना गाइस, वी टू से स्टार्ट हुआ है गाइस, जो अभी कंटिन्यू में है। तो ये एक्सीडेंट का बहुत बड़ा कारण बनते हैं जी। मनाली में कहते हैं ठंड है गाइस, यहाँ तो भाई वहाँ उधर से भी बहुत ज़्यादा गर्मी है गाइस। भाई धूप तो इतनी तिक्खी पड़ रही है ना, एक तो भाई पूरा शरीर ना पसीना पसीना हो रखा है भाई ये राइडिंग गियर करके। गाइस लोकेशन चेक करो आप, अब ऐसा लग रहा है कि गाइस ये पहाड़ तब के ना पाकिस्तान का बॉर्डर आ जाएगा, कि ऐसा लग रहा है कि इसके पीछे कोई दूसरी दुनिया है। क्या ही वाव वाला कहते हैं ना, वाव वाला जगह है ये। ये देखो गाइस जज्बा तो ऐसा होना चाहिए गाइस, स्प्लेंडर उठा के आ गए ये मनाली के लिए। देख रहे हो गाइस, अब कोई एक्सक्यूज मत देना कि भाई एक्टिवा प्लैटिना ये जाते नहीं है मनाली। एग्जांपल आपके सामने है गाइस, और वो भी भाई 90-100 पे भाई खींचता चला आ रहा है। तभी तो कहते हैं भाई लोड ऑफ बाइक ओवरटेक करने का, तो यहाँ तो बिल्कुल चांस ही नहीं दे सकते गाइस, जगह है नहीं। इधर से सामने से चांदगी से कोई गाड़ी आ जाती है। ये देखो गाइस ये भी उधर से तेज आ रहे काफी ज्यादा। सिंगल लेन पे ही जब से ड्राइव करी जा रहे कंटिन्यू, तो थोड़ा बाइक को खींचते हैं।
भाई लो भाई साहब, इतना ही था डबल लेन, फिर से सिंगल लेन स्टार्ट हो गया। ऐसे तो लग जाएगा गाइस, 5 दिन लग जाएंगे जाते जाते। तो गाइस ये जो आपको सामने दिख रहा है ये छोटा सा डैम है, यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में तो नहीं, थोड़ी मात्रा में बिजली पैदा किया जाता है इस डैम से। भाई अब ऑफ रोडिंग के मजे ले रहे राइडर, पूरा रोड टूटा हुआ है सर। देख रहे हो गाइस स्प्लेंडर वाला भैया सबको गाइड कर रहा है गाइस। तो भाई साहब यहाँ तो भाई रेस दे देगी तो लोड नहीं है, बाइक अपने आप ही नीचे जा रही है। इस ऑफ रोड में तो गाइस हिमालयन ही कामयाब है, बाकी देखते हैं आगे जाके रोड हमें कैसा मिलता है। अगर ऐसा ही रोड रहा तो गाइस फिर तो 4-5 भी घंटे लग सकते हैं। एक तो गाइस हाथों में इतना पसीना आ रहा है ना गाइस, क्या ही बताऊं मैं। गाइस नीचे मैं जिस डैम के बारे में बात कर रहा था ना, छोटा सा ये वो डैम है, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं ये चेक करो गाइस, हम काफी ऊपर आ चुके हैं। मैं तो यही बोलूंगा गाइस, जिसने भी भाई ड्राइविंग स्किल अपना सही करना है ना भाई, वो पहाड़ों पे निकल जाओ। पहाड़ों पे जितना भाई ड्राइव करोगे ना, उतना गाइस आपकी ड्राइविंग स्किल इतनी स्ट्रांग हो जाएगी ना गाइस, तो आप तो फिर कहीं भी चला सकते हो। व्यू चेक करो गाइस। सो गाइस ये रहा बोर्ड मनाली, 86 किलोमीटर अभी भी पेंडिंग है गाइस। अगर इसी तरह 2 लेन हो तो गाइस फिर तो जल्दी पहुंच जाएंगे, सिंगल लेन हुआ तो फिर तो मुश्किल है, काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा गाइस। अपना तो यही है गाइस कि जल्दी से जल्दी पहुंच जाए गाइस रूम पे, रेस्ट करे, क्योंकि बहुत ज्यादा ना थक चुका है इस टाइम बहुत ही ज्यादा। ये देखो गाइस मनाली को और शॉर्ट बनाने के लिए ना यहाँ पे टनल का काम भाई हिमाचल सरकार ने छेड़ा हुआ है। एक ये टनल है एंड सेकेंड ये है, तो भाई अभी तो ये कंस्ट्रक्शन का काम चालू है गाइस, अभी लग जाएंगे इनको, काफी अभी टाइम पड़ा है, 3 से 4 साल लग जाएंगे गाइस इनको तैयार होने में, जितना अटल टनल को लगा था गाइस। तो गाइस लग गया काफी लंबा जाम, भाई ट्रक वाले भैया ने कहाँ फंसा दिया ट्रक। आई थिंक ये ऊपर टच हो रहा है भाई, निकल भी जाएगी ये, उधर तो भाई बिल्कुल टच हो रखा है ये, बिल्कुल ये नहीं जाएगी, ये तो टच हो रखा है भाई बिल्कुल। भाई साहब फंसा दिया भाई ट्रक। भाई साहब दिन का ये 11वां टनल है, देखते हैं ये टनल कितना बड़ा है।
हीरा गाइस बारना पैनल है। पैनल तो भाई बिल्कुल फ्री है भाई, पहले में भाई को क्या ही मजा आ रहा है भाई। ने तो भाई पहला हुआ भाई तो बहुत बेहतर है भाई, तो बाकी तो काफी ज्यादा आगे निकल चुके हैं। तो पहले भी गाइस टनल हो गया फिनिश, लो गाइस 13वां टनल आ गया। तो गाइस जो भी चैनल पे नए हैं भाई जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कर दो गाइस। गाइस बेल आइकन को दबाना मत भूलना गाइस, ताकि आपको नई वीडियो आने से पहले आपको सबसे पहले पता लग जाए।